वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे और जानेंगे लिस्ट्रीन कूल मिंट के बारे में। 99.9% जर्म्स को आपके माउथ से ये क्लीन कर देगा। तो इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में भी बताएंगे, इससे क्या कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं, अगर एक्सेसिव यूज करेंगे तब क्या हो सकता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो ये जो लिस्ट्रीन कूल मिंट है, ये एक माउथ वॉश है जो कि आपके माउथ से जर्म्स को मारने के लिए यूज किया जाता है। लिस्ट्रीन ये क्लेम करते हैं 99.9% आप के जो आपके माउथ में बैक्टीरिया, कीटाणु, जर्म्स जो भी होंगे, को गम्स में कुछ पेन होती है, इस तरह की ओवरऑल जो भी प्रॉब्लम है आपको माउथ की, वो 2 वीक्स के अंदर सॉल्व हो जाएगी। ये एक मैजिक लिक्विड है, हर एक को इसको यूज़ करना चाहिए। तो यो इसमें की इंग्रेडिएंट्स है उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें 4 इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं इस कूल मिंट को बनाने के लिए, जिसमें लिप्सटोल, मिथाइल सिलिकेट, थाइमोल, मिंथोल, ये 4 इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ किए गए हैं। बेनिफिट्स आपको मिलेंगे उनके बारे में आप जान लेते हैं। ये हेल्प करता है रिमूव करने में आपके माउथ से जर्म्स, और जो बैड स्मेल निकलती है आपके माउथ से उसको भी रिमूव करता है। जहाँ आपके गम्स में जो प्रॉब्लम होती है, पेन होती है, सूजन होती है, उनको भी ये रिमूव करता है। ये जो आपके मसूड़े होते हैं उनको हेल्थी बनाने में मदद करता है। जब आप इसको यूज़ करते हैं तो ये एवरी पार्ट ऑफ द माउथ पहुँचता है। दांतों के बीच में जो स्पेस होती है उधर भी ये लिक्विड पहुँच सकता है। ये दांतों को अच्छी तरह क्लीन करता है। जो मसूड़ों और टीथ के बीच लाइनिंग होती है उसको भी ये अच्छी तरह क्लीन कर सकता है। तो ये 250 ml की बोतल आपको 175 rupees में ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं डायरेक्शंस फॉर यूज़। यूज़ करने का तरीका काफ़ी सिंपल है। आपने थोड़ा सा ये लिस्ट्रीन कूल मिंट लेना है, इसमें थोड़ा सा पानी मिला के माउथ में डाल लेना है। 30 सेकेंड के लिए अपने माउथ में ही रहने देना है, उसके बाद आप इसको कुल्ला कर सकते हैं। नेक्स्ट 30 मिनट्स तक आपने कुछ भी पानी के साथ इतना नहीं वॉश करना है माउथ को। 30 मिनट्स तक वैसे ही रखना है, कुछ खाना नहीं है, और 30 मिनट्स के बाद आप पानी के साथ अच्छी तरह से अपने माउथ को धो लीजिए, और ताकि पूरे आपके जो गम्स हैं, टीथ हैं, पूरी अच्छी तरह क्लीन हो जाएं। तो आप इसको दिन के 2 बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने इसका एक्सेस यूज़ नहीं करना है। अगर आप इसका एक्सेस यूज़ करते हैं तो ये आपके मसूड़ों को गाल भी सकता है, मसूड़े ढीले भी पड़ सकते हैं अगर आप इसको एक्सेस यूज़ करते हैं। जो प्रिकॉशंस बरतनी है आपने इस लिस्ट्रीन कूल मिंट को यूज़ करते हुए, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सेफ्टी के लिए जो इन्फॉर्मेशन है इसकी, वो ये है कि आपने लेबल्स को अच्छी तरह रीड कर लेना है, एक्सपायरी डेट को अच्छी तरह रीड कर लेना है, बच्चों से इसको दूर रखना है, और ये रिकमेंडेड नहीं है 12 ईयर से कम एज के बच्चों के लिए, ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। और जितनी क्वांटिटी बताई गई है 20 ml से ज़्यादा आपने 1 time इसको यूज़ नहीं करना है, या आपने इसको स्वेलो भी नहीं करना है। अगर ऐसी कोई आपको इसको यूज़ करने के बाद अगर आपको ज़्यादा इरिटेशन सी होने लगती है तो आप इसको लेना बंद कर सकते हैं और अपने मेडिकल केयर टेकर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं आप। ब्रशिंग जैसे हम करते हैं, ब्रश करते हैं, उससे सिर्फ 25% ही माउथ जर्म्स मर पाते हैं। तो बाकी जो पूरी ओवरऑल क्लीनिंग के लिए ये मिंट 99.9% कीटाणु को किल करता है। तो ओवरऑल हमने इस वीडियो में जाना, ये लिस्ट्रीन कूल मिंट माउथ के जर्म्स को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। आपने सुबह उठ के जैसे आप ब्रश करते हैं, ब्रश करना है, उसके बाद आपने 30 सेकेंड के लिए इस कूल मिंट को यूज़ कर लेना है। शाम को अगर आप ब्रश करते हैं तो शाम को भी ब्रश करने के बाद आपने 30 सेकेंड के लिए फिर से इसको यूज़ कर लेना है। यही इसका यूज़ करने का तरीका है। प्राइस हमने आपको बता दिया, 175 में 250 ml की ये बोतल आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये ओवरऑल जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर इसके रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।